मॉर्निंग ऑल, आज है 5th of March, डे 2 ऑफ माई ट्रिप एंड एवरी वन इज़ वेलकम टू माई चैनल लाइफ ऑफ अतुल चमन। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और खुद से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो। एंड आज हमारा डे 2 है, मैं वापस बता रहा हूँ, और आज हमारा एम है 2 forts कवर करने का, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी पहले रीड करूँगा मेरा ब्रेकफास्ट करते करते, एंड मैं निकलूँगा यहाँ से हमारे आगे के सफ़र पर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए, हम कह रहे हैं बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छा स्टे रहा मेरा, एंड अभी सिर्फ चेकआउट का की हैंड ओवर करना है और फिर हम निकलेंगे हमारे रास्ते। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोस्तों अभी हम हैं बाग मांडला पे। यहाँ से हम ले रहे हैं फेरी आगे जाने के लिए, वेश्वी के लिए। तो ऐसे कहते हैं कि चलते चलते राही मिल जाते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं पे हमसे टकरा ही जाते थे। हाय कीजिए। हेलो, तुम लोग ने आपका ब्लॉग क्या है? लाइफ ऑफ अतुल चव्हाण। लाइफ ऑफ अतुल चव्हाण, ओके, आई विल फॉलो, आई विल सब्सक्राइब यू। ये है हमारे सेंगोबेन के दोस्त, साथ में ऑफिस में काम करते हैं और रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं। कहाँ पे घूमने आए थे पता नहीं। चलो चलो, सेम लोकेशन, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। चलो गाइस, यू एंजॉय, मैं निकलता हूँ आगे, बाय। तो दोस्तों स्वागत है आपका बाणकोट में। ये एक छोटा सा गांव है एट द फुट हिल्स ऑफ बाणकोट फोर्ट, एंड ये फोर्ट का एक चीज मुझे पसंद है कि आप यहाँ पे ऊपर तक गाड़ी लेके जा सकते हो। तो आप तब तक एंजॉय कीजिए यहाँ के बहुत ही अमेजिंग टर्न्स। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया था, बहुत अच्छी तरीके से फंसा था बिकॉज मैं मेरे एल्सा में था जो कि मेरी कार है, और ये टर्न पे मैं पूरा फंबल हो गया था। यहाँ पे ऐसे टर्न्स पे कुछ नहीं, आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी डालना है और चलाते जाना है जब तक कि आपके गाड़ी का RPM पूरा आउटर ना हो जाए, आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि लोअर गियर में आपके गाड़ी को ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और आप इजीली चढ़ा पाओगे। भाई नताशा तो बहुत कमाल है, मेरी तरह चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है, तो फिर रास्ते कैसे ही क्यों ना हो। जिंदगी की तकलीफों के ऊपर जैसे हम पैर रख के उनको कुचल के उसके आगे निकलते, वैसे नताशा भी कितने टफ रोड्स हो उन्हें कुचल के आगे निकल लेती। ओहो, कैरियां निकाली जा रही है पेड़ों से, देखते हैं हमें भी एक खाद मिलती है क्या, कोई खाने दे दे हमें कच्ची कैरी। तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, देखिए हम आ चुके हैं बाणकोट फोर्ट पे। लगता है यहाँ पे ऑलरेडी विजिटर्स हैं। मैं जब लास्ट टाइम आया तभी यहाँ पे थोड़ा काम चालू था और मैंने गाड़ी कहीं वहाँ पे यहाँ कहीं पे एल्सा को पार्क किया था। दोस्तों आपका स्वागत है बाणकोट के फोर्ट में, और ये फोर्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करता था, जो है ये सावित्री रिवर और अरबी समुद्र। सो यहाँ से बहुत सारे ट्रेड्स होते थे हमारे इतिहास में, उसको उस वो रूट के प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। ये फोर्ट का हिस्ट्री ऐसा है कि इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पाया जाता है ग्रीक ज्योग्राफर टॉलेमी के डॉक्यूमेंट्स में, जो उसने 1st AD में किया था। उसके बाद सीधा हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है इतिहास में वो ये है कि पोर्तुगीज़ों ने ये फोर्ट आदिल शाह से जीता था, और उसके बाद
यहाँ पे ट्रेड रूट पे उनका कब्जा था। उसके बाद हुआ ये कि सन 1700 में कान्होजी आंग्रे जी, जो मराठा कोली समाज के सरदार थे और जिनका कोस्टल एरिया पे बहुत बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने ये फोर्ट पोर्तुगीजों से जीता और इसका नाम रख दिया हिम्मतगढ़। एंड उसके बाद कुछ साल बीत गए, देन तुलाजी अंग्रेजी आए। उनका और पेशवा का कुछ राइवलरी था जिसके वजह से बहुत कन्फ्लिक्ट होने लगे और पेशवास तो ऐसे जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें बहुत सारे कोस्टल फोर्ट्स इंक्लूडेड थे। तो 1755 में जब सुवर्णदुर्ग ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, उसके बाद ये फोर्ट हासिल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उन्होंने उसके बाद ये फोर्ट हासिल किया और इसका नाम रख दिया फोर्ट विक्टोरिया। एंड उसके कुछ साल बाद ही उनको लगा नहीं ब्रिटिशर्स को कि ये फोर्ट पे इतना खर्चा करना वर्थ है, तो उन्होंने ये फोर्ट वापस से पेशवास के या फिर तभी जो जनरेशन रूल कर रहा था उनके हाथ में दे दिया। फिर समवेयर अराउंड इन 19th century ये फोर्ट पे जो भी ऑपरेशन चलते थे यहाँ से मूव करके मंडनगढ़ शिफ्ट किए गए, जो कि इनलैंड फोर्ट था और बेटर लोकेशन था ऑपरेशन हैंडल करने के लिए। तो ये था ये फोर्ट का थोड़ा बहुत हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा और मुझे याद रहा। आप अभी एंजॉय कीजिए यहाँ के सिनेमैटिक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी तोहफे है वो शॉर्ट रेंज की है, लॉन्ग रेंज की ज़्यादा है नहीं। लेकिन शॉर्ट रेंज मतलब ये मत समझना कि कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट रेंज थी। यहाँ से अगर वो वहाँ तक नदी तक अगर मारा कर सकती है, अपने तोप गोले दाग सकती है, तो आप समझ ही सकते हो शॉर्ट रेंज मतलब कितना शॉर्ट रेंज होता है। तो दोस्तों, किला एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ठूसना ज़रूरी था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। पेश है मोदक जो हमें दिए ये दीदी ने, इनका यहाँ पे स्टॉल है फोर्ट के बाहर ही, अगर आते हो तो जरूर सपोर्ट कीजिए। विक्टोरिया राजा जी समाधि थी, राजा रानी जी तिथे ते समुद्रातून आले, त्यांची बोट बंद पडली होती, ती बोट बंद पडली होती तिथेच राहिले तर ते त्यांची मुलगी का मुलगा मात्र तिथेच हे झाले, त्यांची समाधी बांधली तिथे। थँक्यू। चलिए तो फिर कहते हैं बाय बाय टू बाणकोट एंड हम आगे बढ़ेंगे अभी हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ सुवर्णदुर्ग फोर्ट। देखते हैं वहाँ पे कितने बजे तक पहुँचता है। और यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली वो दीदी से, उनको एक स्पेशली थैंक यू मेरी तरफ से। उन्होंने यहाँ पे नीचे एक मॉन्यूमेंट है जो किसी का टूम स्टोन है, मराठी में हम उसे समाधि कहते हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसके लिए थैंक यू। और शायद से ये हमारे साथ जर्नी में जुड़ रहे सुवर्णदुर्ग, ये था ना एकत्र, तो इनके साथ ही निकलते हैं। सी ऑन द रोड। दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे पीछे है सावित्री नदी, सावित्री रिवर, और उसके पानी से ब्लेस्ड ग्रीन लश फॉरेस्ट एंड जो भी गांव बसे हुए हैं उसके बीच में छोटा सा गांव है, अगर वहाँ पे देख सकते हो तो वो। और ये रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है, मैं बहुत अच्छे से ये कर्वी रोड, बहुत सारे टर्न्स एंड बेंड्स एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों आपका स्वागत है अंजाले के सी शोर पे, और जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स है ये बीच पे भी, और यहाँ पे ये एक हिल है जो समुंदर के बहुत ही नजदीक है। दोस्तों ये जो दूर दिख रहा है यही है हमारा डेस्टिनेशन सुवर्णदुर्ग, और यहीं पे हम जाने वाले हैं। वहाँ जाने के लिए हमें लेनी है जेटी या बोट, वो देखते हैं कहाँ से मिलेगी। आलो आलो
यहाँ से हमें लेनी है बोट किले पे जाने के लिए। सब लोग रेडी है? यहाँ से उतरे हम बोट से और यहाँ से है किले का एंट्रेंस, तो आगे बढ़ते हैं। सो किले का एंट्री जो है वो थोड़ा रॉकी पैच से स्टार्ट होता है एंड मैं अभी तक जूते नहीं पहना बिकॉज सैंड है और पानी में मुझे मेरे जूते ख़राब नहीं करने। और देख सकते हैं किले का ग्रैंड एंट्रेंस। एंड मराठी में दुर्ग मीन्स फोर्ट दैट इज बिल्ट इन द सी। सुवर्ण दुर्ग फोर्ट पे और ये मराठा साम्राज्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट रह चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को कैप्चर किया 1660 में फ्रॉम अली आदिल शाह द सेकेंड एंड उसके बाद इसका फोर्टिफिकेशन किया और तभी ये फोर्ट के इंचार्ज थे कान्होजी आंग्रेजी जो चीफ थे मराठा साम्राज्य के नेवी के, मराठा नेवी के। एंड ये फोर्ट के वजह से और इन्होंने उन्होंने बहुत सारे बाकी फोर्ट भी जीते जिसके वजह से मराठा नेवी का जो रूलिंग था वो सूरत से लेके वेंगुर्ला तक उनका कमांड बन गया। सो उसके वजह से हुआ ये कि पूरा वेस्टर्न कोस्ट मराठा साम्राज्य के अंडर आ गया और जिसके वजह से कोई भी कॉलोनाइजर्स इंडिया को वेस्टर्न कोस्ट से अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद जब कॉलोनाइजर्स ने यूनाइट होकर अटैक करना स्टार्ट किया तो और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कान्होजी आंग्रेजी को वार्निंग दिया कि आप हमारे फ्लीट्स को, हमारे शिप्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स को आप अटैक ना कीजिए या फिर उसका कुछ ना कुछ तो असर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वो सुना नहीं तो उसका रिटालिएशन हुआ। देन वो फिर उस उन्होंने फिर भी बहुत सारे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स को अटैक किया एंड फिर ब्रिटिशर्स ने भी रिटालिएट किया। तो फिर बहुत सारे लड़ाइयों के बाद एक वीर की तरह कान्होजी आंग्रेजी गुजर गए। उनके बाद आए उनका नेक्स्ट जनरेशन तुलाजी आंग्रेजी जो बहुत ही एग्रेसिव माना जाता है जिनको लड़ाई के मामले में। तो उनकी तब के रूलर्स जो पेशवा थे उनसे बनी नहीं। सो ये समय था समवेयर अराउंड 1721 का। एंड फिर हुआ ये कि पेशवाज ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर ली, उनके साथ फोर्सेस ज्वाइन किए एंड देन उन्होंने इंडियन वेस्ट कोस्ट पे अटैक किया। एंड उसके बाद ये फोड़ गया ब्रिटिशर्स के हाथों में जिसकी वजह से उन्हें यहाँ के कोस्टल रूट के बहुत सारे फोर्ट्स पे कमांड करना इजी गया। सो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये फोर्ट है हरनई पोर्ट से नज़दीक। यहाँ पे आप बोट से आ सकते हो जैसे मैं आपको दिखाया। एंड ये एक्चुअली एक पैर में फोर्ट है, सुवर्ण दुर्ग एंड कनक दुर्ग। सो कनक दुर्ग जो है दैट इज़ एन इनलाइन फोर्ट जो हरनई पोर्ट पे ही है। एंड ये दोनों फोर्ट पहले एक टनल से जुड़े हुए थे ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एस्केप किया जा सके लैंड की तरफ। और ये फोर्ट ऐसा है जहाँ पे बोट्स भी बनाई जाती थी नेवी की, मराठा नेवी की।
सो ये सब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है. सो ये सब हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है इस फोर्ट की. बाकी मैं सिनेमैटिक्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा. ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है और सूरज भी सर पे है, तो देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं. ये जो पूरा देख रहे हो आप, ये है अंजाड़े के बाद वाला हरणई का बीच. सामने जो है वो है गोवा फोर्ट, जो ठीक इसके सामने बनाया गया था. एंड देन अगर हम वापस पीछे आते हैं, यहाँ पे है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे है कनक दुर्ग फोर्ट. सो ये फोर्ट से अंडरग्राउंड रोड वे था, टनल था, जो हमें लेके जा सकता था कनक दुर्ग में. ओके, सो आप देख सकते हो कि ये फोर्ट की कमांड कहाँ तक थी. ऑब्वियसली बड़ा फोर्ट है तो बड़ी तोहफे रही होंगे यहाँ पे, बड़े बड़े लंबे रेंज वाली तोप जो होती है वो होगी. बाकी देखते हैं, चलो. एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये फोर्ट जो था, ये मराठा एम्पायर के सर पे एक गोल्डन क्राउन की तरह था, इसके लिए इसे सुवर्ण दुर्ग कहते थे. सुवर्ण मीन्स गोल्डन, दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट. सो अगर इंग्लिश में इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो हम इसे गोल्डन फोर्ट भी कह सकते हैं. और यार यहाँ पे कौवे बहुत है. जबकि ये एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका ओन ज्योग्राफी है. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, ज़मीन ऊपर नीचे है. यहाँ पे बनाए गए हैं वाटर स्टोरेजेस, अगर आप देख सकते हो नीचे ऐसे. यहाँ पे मुझे अभी तक तो दो दिखे, मुझे पता नहीं और कितने दिखने पड़ेंगे. एंड नेचुरली ज़मीन ऊपर नीचे है बिकॉज आइलैंड इज़ बेसिकली अ हिल और माउंटेन इनसाइड अ सी. चलिए, हो गया बहुत ये एक्सप्लोरेशन इस फोर्ट का. अभी निकलते हैं वापस. अभी तक खाना नहीं खाया है, टेम्परेचर लगभग है 35 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो जल्दी से भागते हैं बैक टू द बेस और कहीं पे ठूसते हैं और आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं. ये होता है असली कोंकण का समुद्र. देख रहे हो कितना क्लियर पानी है, वाइट बीचेस है. इतना क्लियर पानी अपने को रत्नागिरी के बाद ही देखने मिलता है. और ऊपर से ये पहाड़ों की सुंदरता. दोस्तों वापस आ गए हैं, रिफ्रेशमेंट हो गया है. अभी हम पहले पेट पूजा का भी देखना तो है, लेकिन उसके पहले हम जाएंगे होटल पे. एक जन से बात हुआ, एक दोस्त से, जहाँ पे हम पहले रुके थे. एंड उसने बोला आ जाओ, करा देता हूँ, तो हो जाएगा. तो पहले होटल में चेक इन करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर शाम को हम जाएंगे एक नए डेस्टिनेशन पे. One hour later. अभी हम है हमारे स्टे के यहाँ पे. शाम के बज रहे हैं लगभग 4:30. अभी तक लंच हुआ नहीं है, तो यहाँ से रेफरेंस मिला है एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट का, तो पहले वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे एंड वहाँ से आगे बढ़ेंगे. तो खाना आ चुका है, राइस एंड दाल तड़का एंड सुरमई फ्राई. खाना खाते खाते बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5:30. 7 बजे केव्स बंद होंगे, तो उसके पहले मुझे पहुंचना है. यहाँ से लगभग 46 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो मैं वहाँ तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूँगा. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. देखो दोस्तों, सीन ऐसा है, अभी लगभग हो रहे हैं 5:45. एंड देख सकते हो कि सनसेट होने को ही है, और मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे लगभग लगेंगे 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स दिखा रहा है गूगल मैप पे. एंड सनसेट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि केव्स में कुछ देखने लायक रहेगा, तो इट्स अ डिसिजिव पॉइंट क्या करना है करके. तो आई थिंक आई विल टेक अ डिसीजन टू हेड बैक टू द होटल, और आपको मुझे वो दिखाना भी है कि होटल का रास्ता कितना एडवेंचरस है. तो चलिए वापस चलते होटल पर. A few moments later. तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं
हमारे होटल के नज़दीक और देख ही सकते हैं कि सनसेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आपको इजीली दिखेगा नहीं, लेकिन ये देखो, ये भी अभी मैं भी मिस कर जाता, ऐसे एक छोटा सा एडवेंचर है अलोंग द बीच। तो और यहाँ पे बहुत सारे बीच फेसिंग होम स्टे एंड रिसॉर्ट्स है। अच्छा खासा एडवेंचर है यहाँ पे, थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है यार। राइडिंग गियर में अलग ही कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे चलाने में। मैं अभी आया दोपहर को, मैं तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में गया था, लेकिन अभी राइडिंग गियर्स नहीं है तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। और ये आ गया हमारा रिसॉर्ट। ये जगह का नाम है कोकोनट ब्रीज और यहाँ पे हम रुके हैं आज के रात के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं वापस हमारे रूम पे। आज का दिन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं और मोस्टली कल मैं सुबह डायरेक्टली मेरे घर के लिए मुंबई के लिए निकलूँगा। तो ये सीरीज़ अभी के लिए यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं और आगे के जो फोर्ट्स हैं वो हम बाद में कभी कवर करेंगे। डोंट वरी, हम ज़रूर करने वाले हैं वो, लेकिन बस बाद में कभी होंगे। तो अब तक की ये सीरीज़ और आज का एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे बताइए कमेंट में नीचे। और अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, फैमिली को दिखाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। बाय, चाओ।